वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स रॉक विच ऑलवेज रॉक्स। आज हम दिखाने जा रहे हैं खास करके ये वीडियो उतारने के लिए एक असिस्टिंग डिवाइस जो उसको ट्राईपॉड कहते हैं। आइए देखते हैं ये ट्राईपॉड में क्या क्या है। मैंने इसे अमेजोन से ख़रीदा है, आप चाहे कहीं से भी खरीद सकते हो, ऑफलाइन भी मिल जाता है ये चीज़। 250 से लेकर 350 तक इसका कीमत है, वेरी करता है ब्रांड के ऊपर। फिर भी मॉडल लेस लोकल ब्रांड ही सब है। खरीदते वक्त ध्यान में रहे हर एक चीज़ जॉइंट परफेक्ट होना चाहिए और जो स्क्रू होता है वो ठीक होना चाहिए, वाटर लेवल होना चाहिए और तीनों जो स्टैंड है ट्राईपॉड का तीनों परफेक्टली लॉक होना चाहिए और फार्मली स्टैंड भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिखा है मेड इन चाइना, थ्री वे फैन, मतलब तीनों तरफ से घुमा सकते हो। फोर सेक्शन लेग, तीनों तीन ट्राईपॉड का तीन हिस्सा, तीन पैर और बीच में एक होता है उसका इंटरलॉकिंग जॉइंट। क्विक लीवर लॉक एक सिस्टम है, मतलब जो ट्राईपॉड का जितना हाइट तक एडजस्ट करोगे उसके बाद उसके लेग्स को आप लीवर लॉक के जरिए लॉक कर सकते हो। रबर लेग टिप भी है ताकि कोई भी अनइवन सर्फेस में या इवन स्लिपरी सर्फेस में भी ये फार्मली खराब रह पाए, ठीक है। तो ये फीचर लिखा हुआ है यहाँ पर। इसका डायमेंशन दिया हुआ है 1020 mm मैक्सिमम हाइट, मतलब एक मीटर एक 1.02 meters इसका मैक्सिमम हाइट होगा स्टैंडिंग हाइट। बंद करते वक्त 350 mm हाइट होता है। ये पैर फैलाते हुए हिला तीनों तरफ, ये होगा 345 mm, मतलब थोड़ा घट जाएगा। लॉक करने के वक्त जितना हाइट होता है घूमने के वक्त थोड़ा घट जाता है क्योंकि माझे बीच वाला हिस्सा जो है थोड़ा दब जाता है तीनों पैर तीन दिन को फैलाने से, तो तीनों और फैलाने से। तो ये है, ये इसका स्टेबिलिटी भी दिया हुआ है शायद, ये कंट्रोल लेवल वजन भी है इसका, वेट है 420 grams। हम इसको ओपन करेंगे और ये एलुमिनियम लेग्स है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। हाँ तो दोस्तों, ये रहा अपना ट्राईपॉड, ये एक पैकिंग में है, इसका कैरिंग केस पर या पाउच भी कह सकते हैं आप। ये इसको खोलते हैं और ये रहा हमारा ट्राईपॉड, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। पहला बात जो है, हाँ तो पहला बात जो है वो है ये इसका तीनों पहिया है, तीनों पैर। ये है बीच वाला इंटरलॉकिंग जो पैर वो, ये रहा खोलते वक्त इसका मिनिमम हिस्सा, मिनिमम हाइट जो 340 mm 45 mm का है, और बंद करते वक्त इसका हाइट थोड़ा बढ़ जाता है 350 mm हो जाता है। बहुत ही कॉम्पैक्ट और लाइट वेट भी है, ठीक है। तो अभी हम उसको बड़ा कर सकते हैं। ये जो इंटरलॉकिंग लीवर लॉक क्या बोलते हैं इसका, हाँ लीवर लॉक जो है, ये है लीवर लॉक। मान लीजिए कि इसको हम खोल दिए, इसको भी खोल दिए और ये भी खोल दिए, तो ये हाइट इसका क्या कर सकते हो इसके जरिए, ठीक है। ये एक लेग खुल गया, हाँ ये एक लेग खुल गया, फुल एक्सटेंड हो गया पहला वाला हिस्सा। तो इसको खोलने के बाद अब ये जो है इसको आप ऐसे गिर ना जाए इसीलिए किसी भी पोजीशन पे आप लॉक कर सकते हो, ऐसे टिल्ट करते वक्त भी आप लॉक कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रेट करके ही लॉक करना है, ऐसे भी आप लॉक कर सकते हो। ये भी फार्मली खड़ा है बिल्कुल। तो इसका मैक्सिमम हाइट जो है वो हम अभी देखेंगे। पहला पहिया गया, फिर दूसरा पहिया, ये दोस्तों इसका दूसरा पहिया खोलने के बाद। अब देखिए ये और भी हाइट इंक्रीज हो गया इसका, इसका दूसरा वाला हिस्सा खोलने के बाद। अभी एक फाइनल हिस्सा भी है नीचे का छोटे वाला, वो भी हम खोलेंगे, खोल कर देखेंगे। तो ये हम खोले, अनलॉक किए और उसको भी
अनलॉक किए। तो ये तीनों खोलने के बाद तो और ऊँचा होने वाला है, अभी देखेंगे हम। हाँ तो दोस्तों, तीनों पैर खोलने के बाद इसका हाइट बन जाता है करीबन 1 मीटर। ठीक है, ये देखिए चेयर के हाइट से ज़्यादा है। हम अभी मेजर करके इसको देखेंगे इसका हाइट कितना होता है, उसके बाद उसके बाकी बाकी फीचर्स को भी जांच करेंगे। हाँ तो दोस्तों, ये करीबन 3 मीटर ही है, 3 फीट का ही है, मतलब 1 मीटर ही हुआ घुमा फिरा। ये भी 3 फीट का ही है नीचे से ऊपर तक। ठीक है, जैसा अभी मैंने आपको कहा था। तो अभी इसमें देखते हैं और क्या क्या फीचर्स है। तो इसमें आप जैसे कि देख पा रहे हैं एक वाटर लेवल है, इसके ज़रिए आप मेजर कर सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, आपका जो जो भी डिवाइस आप इसमें माउंट करोगे वो हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, वो देखने के लिए आपको ये वाटर लेवल यूज़ करना होगा। ये है वाटर लेवल, ये बीच वाला जो पानी का ब्लैंक स्पेस है उसका आपको एडजस्ट करना है, पूरा बीच में आएगा तो ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए आप इसको घुमा के भी एडजस्ट कर सकते हो और इसको भी घुमा के एडजस्ट कर सकते हो। ये तीनों स्क्रूज दिया हुआ है, ये एक, ये दो और ये तीन, ये तीनों को तीनों का काम है। पहला वाला ये पहला वाला ये इसके ज़रिए आप इसको एडजस्ट कर सकते हो दोस्तों। इसके ज़रिए ये वाला स्क्रू के ज़रिए आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसका फाइनल जो लेंथ है ये 1 मीटर का ऊपर है। ठीक है, जैसे कि हम अभी देखने वाले हैं, ये देखिए ये 1 मीटर ही है एग्जैक्टली, ये 33 फीट और ये है 1 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर का ही है, 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा लेकिन कम बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, इसके बाद मेरा पहला वाला ये मेन स्क्रू से फाइनल जो स्टैंड है उसको ऊपर या नीचे घटा सकते हो। इसको अगर ढीला कर दिए तो इसको आप बैठा भी सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपकी मर्जी। तो दोस्तों, और अब आते हैं दूसरा वाला स्क्रू में, ये जो कि ये है, इसको आप अगर ढीला कर दोगे तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। तो कौन सा एंगल भी पैन होगा वो आप एडजस्ट कर सकते हो। ये वाला पेन वाला है। ठीक है, तो इसको ढीला करने से ऐसा आप एडजस्ट कर सकते हैं और फिर से टाइट कर देने से ये वही पोजीशन पर लॉक हो जाता है। ठीक है, और आखिर में है ये तीसरा वाला स्क्रू जो आप देख रहे हो। तीसरा वाला स्क्रू को ढीला करके आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, कितने डिग्री तक ये टिल्ट होगा। ठीक है, मान लीजिए कि आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी हॉरिजॉन्टल से लेकर वर्टिकल, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, पूरा आपके इच्छे के अनुसार मुताबिक आप कर सकते हो। तो ये था 3 स्क्रू का कारनामा। अभी 3 स्क्रू डालने के बाद मान लीजिए फिर भी आप अपना हैंडल मोबाइल या DSLR जो भी माउंट किए हो इसको आप ऐसे ऐसे घुमा सकते हो, नाइन पर फर्दर टिल कर सकते हो। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा ये इलास्टिक के जैसा है, वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, आप इसमें फ्री साइज कुछ भी चीज़ मेरा सकते हो। तो और ये हैंडल आपको दिया गया है स्टेबली शूट करने के लिए और दोनों साइड में घुमाने के लिए। ठीक है, फॉरवर्ड टिल्टिंग जो होता है वो स्क्रू के ज़रिए करने होगा, लेकिन साइड वाइज अगर टिल्टिंग करना चाहो तो आप वैसे कर सकते हो। बहुत ही काम की चीज़ है और दाम में भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। तो ये था दोस्तों
एक ऐसी यानी कि चीज़ जो कोई भी यूट्यूबर अगर हो या फिर अमेचर वीडियो शूटर हो उसका बहुत काम आने वाला है। इसमें एक चीज़ प्रोफेशनल के जैसा नहीं है, कई भी कई सारे चीज़ नहीं है। पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वाइब्रेशन माउंट नहीं है। वाइब्रेशन माउंट आपका अगर सेंसिटिव मोशन सेंसिटिव फिल्म अगर शूट करना चाहो तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते उतने अच्छे से, लेकिन अमेचर या स्टार्ट कोई भी स्टार्ट किया हुआ है अभी अभी तो उसके लिए अच्छा ही है, उसके लिए शुड बी मोर देन एनफ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो और एक स्क्रू भी है, एक फाइनल वाला मुझे अभी दिखा, आप लोगों को के जानकारी के लिए बता रहे हैं। ये स्क्रू से आप इसको टाइट कर सकते हो, ये होल्डर फाइनल जो होल्डर है उसका, ठीक है, ये अभी टाइट हो गया, ठीक है। तो फुल सेटअप में ऐसा होता है, ये ऐसा होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि प्योरली हॉरिजॉन्टल सेटअप कर रहे हो, वर्टिकल सेटअप कर रहे हो, ठीक है, अगर टिल्ट चाहो तो ऐसे टिल्ट कर सकते हो। और ये जो हिस्सा है पहले का आपको बोला मैंने, तो इसको घुमा भी सकते हो, मतलब ये अपने तरफ भी कर सकते हो और दूसरी तरफ भी कर सकते हो, सामने वाला वीडियो भी ले सकते हो, खुद का वीडियो भी ले सकते हो। तो ये था दोस्तों आज का हमारा बहुत ही खास परचेज जो कि आगे काम आने वाला है, खास करके मेरे लिए। उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।